महापौर उमेश गौतम ने परिवार के साथ डाला वोट, बरेली के विकास में बने भागीदारी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मतदाता मतदान स्थल पर सेल्फी लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से मतदान की बात करें तो बरेली लोकसभा सीट पर 11.59% मतदान हुआ था। वहीं आमला में 11.82% मतदान हुआ था। वहीं महापौर उमेश गौतम ने अपने परिवार के साथ वोट किया। बेटे आदित्य ने कहा कि बरेली के विकास में भागीदारी बनकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर वोट करें। वहीं महापौर उमेश गौतम ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य और सभी को करना चाहिए वोट, और जो लोग नहीं आए हैं अभी तक आके प्लीज वोट करें और देश के डेवलपमेंट में साथ दें। धन्यवाद। देखिए, युवाओं ने ठाना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री बनाना है, और बदलते हुए भारत और चमकते हुए भारत के लिए मैंने वोट दिया है। और जो विकास बरेली में हुआ है वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। किसी और पार्टी ने इतना विकास कभी नहीं करा, खास करके स्मार्ट सिटी के जब से बरेली बना है तब से आदरणीय महापौर उमेश गौतम जी ने बहुत विकास कराया है। उसी विकास को वोट देखकर वोट दिया है। कैसा आज वोट डाले हैं, परिवार के साथ वोट डाला है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश को दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बनाने के लिए हमने परिवार सहित आज वोट किया है। और मैं तो आपके माध्यम से लोगों से भी कह रहा हूँ कि सभी लोग परिवार सहित आएँ, लोगों को जगाते हुए खटखटाते हुए आएँ और इस महापर्व पर अपना मतदान अवश्य करें। कुछ देर पहले प्रवीण सिंह वोट डाल रहे थे, आरोप लगा रहे हैं कि उनको मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है। भ्रष्टाचार के मामले आप देख ही रहे हैं। कल ही एक सचिव के भी नौकर के यहाँ 35 करोड़ से ज़्यादा के नोट बरामद हो रहे हैं, मशीनें लगानी पड़ रही हैं। अभी भी विपक्ष सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये जनता तैयार बैठी है उनको सबक सिखाने के लिए। केंद्र में हैट्रिक लगेगी क्या इस बार? पूरी तरीके से हैट्रिक लगने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भारी मात्रा से यहाँ आदरणीय छत्रपाल जी जीतने जा रहे हैं।